tell you, it was amazing experience for me because I have been more known in the central suburbs, but this time it was first time I was doing a public event in the western suburb, and Malad Masti with the crowd of 1 lakh plus, it was just amazing and the mind blowing. I cannot believe the energy of the crowd in the morning, and they were like cheering up like anything. Thank you very much for hosting me out here. It was amazing. देखिए ये आई कैन से इट इज द स्पिरिट ऑफ मुंबईकर्स. पुलिस का तो इतना ज़्यादा क्रेडिट नहीं है, बट ऑल क्रेडिट गोज टू द पीपल ऑफ मुंबई, दोज हु एक्चुअली मेंटेन द पीस इन दिस सोसाइटी. आई ऑलवेज अपील टू द पीपल, बी एसोसिएटेड विद अस, बी टुगेदर, मेक दिस सोसाइटी मच मोर सेफ. आई वॉन्ट दिस सिटी इज ऑलरेडी सेफ, लेट्स कम टुगेदर, वील मेक इट मोर सेफ एंड सिक्योर फॉर एवरी. बहुत ही खूबसूरत मंजर है मेरे लिए, खासकर मेरे लिए, क्योंकि मैं अक्सर रात में काम करता हूँ. आज भी मैं 6:30 बजे सोया था, पर किसी तरीके से उठ गया, एंड आई थिंक आई एम लकी दैट आई केम हियर. इतने खूबसूरत ऑडियंस, इतनी सुरीली ऑडियंस जब आपको मिलती है, आई थिंक इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता है. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई केम हियर. इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव बाय असलम भाई, एंड आई होप दैट आई कीप कमिंग टू मलाड. इट्स अ नाइट सिटी एंड कमिंग टू मलाड और ये सब देखकर आई एम सरप्राइज्ड. सुबह सुबह मुंबई के अंदर लाखों की भीड़, that's amazing. Malad Masti is just incredible, and especially Aslam bhai, congratulations, this is incredible. Maine aisa pehle Mumbai mein nahi dekha kabhi. Kya kehna chahoge, gaana ready hai release pe, main bas yahi bolna chahungi ki zyada se zyada sare log pyar dein, aur kyunki hum logon ne ye purane song ko hum logon ne new create kiya hua hai aur naye tarike se kiya hua hai, to hum chahenge ki zyada se zyada aap log ka pyar mile. Aur jaise aaj यहाँ पे मॉर्निंग पे आके और इतने सारे लोगों को इकट्ठा देखना, उनके साथ में अपने सॉन्ग शेयर करना, बहुत अच्छा लगा. और असलम जी ने ये जो ऑर्गेनाइज किया है ये बहुत अच्छा है, और एक तरह से हम लोग के लिए भी अच्छा है जो आर्टिस्ट है, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, प्लस इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिला है, तो अच्छा लगा. और मैं चाहूँगी बस ज़्यादा से ज़्यादा हर बार कुछ नया करने को मिले, नया लेकर हम लोग आए. देखिए आम जनता ये चाहती है कि खुश रहे, आम जनता और बच्चे ये चाहते हैं कि देश का वातावरण अच्छा हो. एक तरफ देश जो है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है जलाने पे लगी हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बांध के रखें, मोहब्बत बनी रहे, भाईचारगी बनी रहे. और ये जो शो हमने किया है ये पॉलिटिक्स से हट के किया है. जो यंगस्टर्स हैं हमारे वो जल्दी उठें, सुबह एक्सरसाइज करें. सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमने जो है इवेंट रखा हुआ है, हर स्टॉल पे जुम्बा है, कराटे है, यूएफसी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बॉक्सिंग जो हेल्थ पे बॉक्सिंग है, बहुत सारी चीज़ें रखा है. और साथ ही साथ एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म जहाँ इतने बड़े बड़े स्टार्स आते हैं और जो आम जनता है इन लोगों से मिल नहीं पाती, देख नहीं पाती, खाली टीवी के ऊपर इन्हें देखने मिलता है, तो रू बरू इनको देख भी लेती है. इनका भी ऐसा लगता है कि भाई ये भी कभी इसी दौर से गुजरे हुए हैं लोग, तो उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है. जो होते हैं ना बुला के वो ऐसा रहूँगा यहाँ पर. ये मेरे लिए मलाड मस्ती है, ये यूथ के लिए बहुत बढ़िया है, ये एक कॉज के लिए हो रहा है, ये एक बहुत बड़े कॉज के लिए हो रहा है. माल न्यूट्रिशन, कुपोषण जिसे बोलते हैं हिंदी में, उसके लिए हो रहा है. तो ये बहुत, एक तो ये है, एक बच्चे सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, एक्सरसाइज, बॉक्सिंग हो रही है, स्केटिंग हो रही है, डांस हो रहा है. तो ये सुबह सुबह उठ के ये हर कोई नहीं करता है, तो ये मलाड मस्ती में ही देखने को मिलता है. और मैं अपने मन से हर साल आऊँगा, ये मेरा वादा है. तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतनी सुबह सुबह लोग आ जाएंगे करके, क्योंकि सुबह उठना किसको पसंद नहीं रहता, मगर ये बहुत अच्छा एक थॉट है असलम सर का कि सबको सुबह उठा के लेके आए, सब लोग को फिट रहना रखना देख रहे. और यस, और जो हिसाब से प्यार बांट रहे, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट लग रहा है, आई थिंक अभी सब लोग रिलैक्स फील कर रहे हैं, जितने प्रेस वाले भी होंगे या फिर ऑडियंस भी होगी, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं. एंड ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है. संडे मॉर्निंग सुबह सुबह 1 लाख का क्राउड है, आज परफॉर्म कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे मलाड मस्ती और असलम शेख जी का जो इनिशिएटिव? देखिए मैं मलाड मस्ती की एक शान आन बान अलग है. हमेशा मैं तकरीबन 5 साल से लगातार आ रहा हूँ यहाँ पर, और
असलम भाई हमारा नेता कैसा हो, असलम भाई जैसा हो, तो असलम भाई की बात कुछ अलग ही है। वो खुद एक दबंग है, अल्लाह ने उनको नवाजा है और उनका प्यार, उनका खुलूस हम लोगों को यहाँ का आकर नज़र आता है, क्योंकि जिस तरह से प्यार मोहब्बत से सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर हैं, एक छत के अंदर दो भाई सगे नहीं रह सकते और यहाँ आपको 1 लाख का क्राउड मिलता है। Malad Masti was like more than expectation. I didn't expect that, you know, this much crowd will turn up. But this was amazing. This was huge. And I loved performing for each one of them. They were so nice. And subah subah itam itni masti aur itna achha mahol mujhe mil gaya that I'm sure that the whole day is going to be amazing.